आ चुकी है अभी, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं अपने इन गाइस से, एक वो रहे जो अपने बाल सवार रहे हैं, वो अलग डिप्रेशन में है। क्या है डोबी भैया, डोबी भैया कभी नहीं सुनेगा चलो वेट करते हैं जब तक डोमर डिपार्टमेंट में क्या होता है, डिग्री के चमक रही है जैसे आओ भैया के साथ आ गए। अब हम जाने वाले हैं कॉलेज के लिए, डीमरी इज ऑल सेट टू गो, शी हैज टू गिव दैट लास्ट टच ऑफ हर हेयर डू। अभी हमारा पेपर ऑनलाइन होने वाला है पेपर, और हम बहुत डरे हैं जी, डर तो लगता ही है पेपर में जैसा भी हो, पर ऑनलाइन है इसकी अच्छा इसके लिए अच्छा लग रहा है बस। चलो चलते हैं अपने दो दोस्तों के साथ। पेपर था और पेपर हो चुका है डन, क्योंकि ऑनलाइन था पेपर, अभी कुछ बच्चे शायद कर भी रहे हैं, हो चुका है सबका पेपर। हम सब वैसे देखने के लिए आ रखे हैं अभी हम अपनी स्लाइड्स को, चलिए पूछते हैं लोगों से कि वो समझ क्या। अदिति आपको क्या समझ आ रहा है वैसे, आप बता सकती हैं कुछ? सिंपल है, दो टॉपिक पढ़ा है, एक होगा कैरी के एनालिकुलर। अच्छा अब तो आप ट्राई कर लीजिए कि अब तो आपको कुछ दिख जाए। देखो अपने काम में अभी अपनी पूरी ट्राई करते हुए कि कुछ दिख जाए। आज तो आपको कुछ दिख रहा है? दिख तो रहा है पर समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं इन सब को कितना समझ आ रहा है गाइस। और ये है फाइब्रोएडेनोमा, मतलब ये ट्यूमर्स हैं। अब गाइस अगर आप इसको देख सकते हैं, दिस इज द सैंपल ऑफ फाइब्रोएडेनोमा। तो बेसिकली ये ब्रेस्ट का होता है, ठीक है, ब्रेस्ट का ट्यूमर है, और ये बेनाइन होता है और ये नोड्यूलर भी होता है। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर देखोगे तो मैम ने आज बताया था ना, टू पैटर्न्स, पेरिकेनालिकुलर और इंट्राकेनालिकुलर। तो पैथो में पहले हमें क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर हमें ग्रॉस दिखाया जाता है, फिर हमें माइक्रोस्कोपी में दिखाया जाता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, देख सकते हैं पेरी कैनालिकुलर और दूसरा इंट्रा कैनालिकुलर पैथो। ज्योमेट्री बॉक्स, मानिए ज्योमेट्री बॉक्स देखा, ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये डोरी का ज्योमेट्री बॉक्स है। अभी तक अपने बचपन में ये डोरी का ज्योमेट्री बॉक्स, क्या कहना चाहेंगे अपने ज्योमेट्री बॉक्स के? वो कुछ नहीं कहेगा, इसको कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट कीजिए तब तो भी कुछ बोलेगा, ठीक है? और 100 लड़कियां आएंगी, 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स, तो डोबी पक्का नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी तरह से कुछ बोलेगा। अच्छा खैर हमारी पोस्ट ठीक है। और डीमरी मारने वाले हैं रूम में पोछा, झाड़ू तो अभी हमने पूरा मार दिया है, तो चलिए पोछा मारने की शुरुआत करते हैं। एज सच घर में भी मैं अपने कमरे में तो जनरली मारती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर और कोई साफ नहीं कर सकता मेरा कमरा। क्या हुआ? इसको वो करके आऊं पहले वॉश? नहीं इसी में डुबो देंगे ना सब। इस टेबल को मैं चल पाऊंगी, एक बाल का नामो निशान छोड़ूंगी। ऐसा फर्ज कर दूंगी। In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette.
अलग है। जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, हमारी ट्रेन छूट रही है। अंकल आ चुके हैं, अंकल हमारी ट्रेन छूट चुकी है, अब जल्दी से खोल। चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन भी चल पड़ेगी और हम पहुंच जाएंगे दिल्ली कुछ 11 बजे तक। तो चलो चलते हैं, सफर को शुरू करते हैं। Reaching back home the very next day, I and my mommy had left for the Sri Sai Baba temple which is there in Lodhi Road, New Delhi, obviously. तो मुझे काफ़ी टाइम से वहाँ पर जाना था एंड इस बार फाइनली मुझे टाइम मिला कि मैं बाबा जी के मंदिर जा पाऊँ टू थैंक बाबा जी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एज बिस्टोर्ड अपॉन मी। यहाँ आके मुझे बहुत ही पीसफुल लगता है और यहाँ से सारा सामान खरीदना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। Spending so many days at home, yes, it is indeed very difficult to say bye to our family members, but it has to be done, guys. Gaadi chalti rehni chahiye. Isi ke saath milti hu next vlog mein. Bye bye.